थोड़ा श्रम चला है, जिसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्वालिटी बढ़ेगी और अच्छी शिक्षा आएगी तो हब भी बनेगा और उसका परिणाम भी निकल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में 5 सरकारी विश्वविद्यालय A++ नेट रैंकिंग में आ चुके हैं, 5 निजी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, A+ रैंकिंग में 3 विश्वविद्यालय है सरकारी और ए रैंकिंग तो कई हो गए, जबकि माननीय योगी जी की सरकार से पहले B+ के कुछ 2-3 विश्वविद्यालय थे और कोई नहीं थे। तो एक क्रांतिकारी जो गुणवत्ता में सुधार हुआ है उसी के अंतर्गत अभी भी 3 निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिला है और उनको अवसर दिया गया है, जिसमें एक है JSS विश्वविद्यालय नोएडा में हो रहा है। JSS पूरे हिंदुस्तान का यानी विश्व में एक बड़ा नाम है जो एजुकेशन फील्ड में काफी काम किए हैं और अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है उनके, तो उनको अनुमति मिली है। एक सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ को अनुमति दी गई इसी के अंतर्गत और एक शारदा विश्वविद्यालय आगरा में। शारदा ग्रुप भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एजुकेशन लाइन में एक खासा नाम रखता है, देश विदेश में उनके एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इन सबसे एजुकेशन की स्थिति में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा सेमीकंडक्टर की पॉलिसी आई है। सेमीकंडक्टर भारत में ये उद्योग अभी शैश अवस्था में है और मात्र अभी तक 2 राज्यों ने इसकी नीति बनाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, एक गुजरात था और दूसरा उड़ीसा। अभी हाल में ही कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी बनाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश देश का 4th राज्य बन गया जिसने अपनी एक सेमीकंडक्टर नीति 2024 मंत्रिमंडल की बैठक में प्रख्यापित की है और इस नीति का बड़े बड़े उद्योगों में जो इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने जब अध्ययन किया है तो सर्वाधिक उत्तम नीति इसको बताया गया है, क्योंकि ये इसका लाने का कारण क्या है, निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा बहुत बड़ी मात्रा में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगा और जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होते हैं जैसे मोबाइल कारों में वगैरह वगैरह में सब में सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश अभी इस मामले में अग्रणी नहीं था, अब लीडर बने इस उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है। तो प्रत्येक इंडस्ट्री में इसका उपयोग है, उसको प्रोत्साहन देना, इसमें जो नीति में इनको प्रिविलेज इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे तो 2 तरह के इंसेंटिव्स होंगे, एक तो कैपिटल इंसेंटिव्स जिसमें इनको यानी हिंदुस्तान की सरकार ने कोई 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए तो बनाया है कि हम इस उद्योग लोग वाले लोगों को मदद करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें 75% अपना भागीदारी करेगी जो इसमें उद्योग आएंगे। और इसमें जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो वित्तीय प्रोत्साहन भी देगी, उत्तर प्रदेश में जो भी खोलेंगे वो 50% सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी लैंड सब्सिडी के रूप में, 200 एकड़ तक 75% उनको सब्सिडी मिलेगी और 200 एकड़ से ऊपर जो होगा वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। और अभी तक 13 कंपनीज ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है और अप्लाई किया है। इसमें पानी की उपलब्धता बहुत होती है तो जो ये तो हुए वो इंसेंटिव्स जो कि वित्तीय है, जो गैर वित्तीय इंसेंटिव्स है तो पानी की उपलब्धता के लिए भी अपनी सरकार ने ये प्रावधान किया है उसमें कि उनको जितनी आवश्यकता होगी उतनी पानी की उपलब्धता कराई जाएगी और बिजली की उपलब्धता भी होगी, बिजली के उसमें भी 10 साल तक उनके जो टैक्स है उसमें भी माफी मिलेगी और इसमें जो पेटेंट कराना चाहेगा तो उसमें
राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 10 लाख रुपए और इंटरनेशनल स्तर पर पेटेंट कराने वाले को 20 लाख रुपए का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इंडस्ट्रीज से इसका कोलैबोरेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पर स्किल्ड लोग पहुंचे, इसके लिए इसके साथ इस सेमी कंडक्टर पॉलिसी के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा। वहां के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और इस जो लोग इस सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे उनसे उनका टाई अप कराया जाएगा और उस टाई अप में स्किल्ड लेबर यानी स्किल्ड पर्सन उत्तर प्रदेश प्रोवाइड करेगा। इससे अपने पूरे हिंदुस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक इस सब में अपने देश की प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन वो और स्किल्ड हो इससे जोड़कर उनको स्किल्ड प्रतिभाओं को न सिर्फ देश में स्थान मिलेगा बल्कि विदेश में भी वो जा सकेंगे। तो ये बहुत क्रांतिकारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी योगी जी की सरकार ने आज प्रख्यापित की है और इससे एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो हम आयात करते थे अभी तक सेमीकंडक्टर, हम अब पहले तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद निर्यात की स्थिति आई तो निर्यात भी करेंगे। जिस उद्योग को जितना भी भारत सरकार देगी, मान लीजिए मैं लगा रहा हूँ और मैंने 100 करोड़ का वो किया, उसमें 80,000 में से जो उसका केंद्र सरकार का हिस्सा होगा वो देंगे 75% हम लोग। कैपिटल इंसेंटिव बोलेंगे। माननीय चौधरी साहब, आज जिसका इंतजार था उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज गन्ना मिल और गन्ना के किसान, लगभग उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवारों से ऊपर गन्ना की खेती करते हैं, लगभग 45 लाख ऐसे मजदूर हैं जो गन्ने की खेती से संबंधित हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लेके अब तक, जब हमारी 2017 में सरकार आई थी उस समय गन्ने का भाव 315 रुपए प्रति क्विंटल अगेती किस्म का था, वो दो बार बढ़ाया गया और आज माननीय मंत्री परिषद ने 20 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जो बढ़ के अब इस समय अगेती किस्म 370 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है। इस कीमत के 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने के हिसाब से जो गन्ना उत्पादन होता है लगभग 2,200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अधिक जाएगा। जो दूसरी वैरायटी है उसका किया गया है 360 रुपए, ये आगे तो क्या है तो सामान्य और अब तो पहले एक अनुपयुक्त वैरायटी मानी जाती थी, अब वो लगभग प्राय समाप्त है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये
हमारे इस दौरान पिछली सरकारों के यदि कंपैरिजन में हम देखें तो चाहे वो 2007 से 2012 रहा हो, चाहे 2012 से 2017 रहा हो, 2012 से 2017 की सरकार में भी मात्र 25 रुपए 5 साल में बढ़े थे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। 55 रुपए गन्ने का भाव 6 साल में बढ़ा है, जैसा आप सबको मालूम है। योगी जी के नेतृत्व से पहले प्राय शुगर मिल बंद होने के कगार पे थी, ये उद्योग बिल्कुल एकदम ठप हो रहा था, किसान का गन्ना भी क्षेत्रफल में घटता जा रहा था, पैदावार भी घटती जा रही थी लगातार। अब पिछले वर्षों से देश में प्रथम गन्ना उत्पादन में है उत्तर प्रदेश है, चीनी उत्पादन में भी प्रथम है। इसमें गन्ने की ढुलाई का जो कुल गन्ना है हमारा, उसमें 60% गन्ना मिल गेट पे आता है, उस पर कोई ढुलाई का भार नहीं होता। 40% जो गन्ना होता है उस पर अब तक 8 रुपए 45 पैसे थे, हमने 45 पैसे इसके 8 रुपए 35 पैसे सॉरी हमने 45 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर बढ़ाया है, लेकिन ये अधिकतम 9 रुपए होगा। इसलिए हाँ, इसलिए किसानों पे कुल इसका भार मात्र 39 करोड़ पड़ेगा। किसानों के खाते में 2,200 करोड़ रुपए जाएगा और जो किराए का भार बढ़ेगा वो मात्र 39 करोड़ रुपए बढ़ेगा। निश्चित रूप से चीनी उद्योग को और किसान की गन्ने की पैदावार को, दोनों को ही इसमें बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, पिछली बार भी हम 98% गन्ने का भुगतान कर चुके थे और जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसमें भी आपको जान के प्रसन्नता होगी, इस समय हम वर्तमान सत्र का 86% पेमेंट किसान को कर चुके हैं, किसान के खाते में जा चुका है। हमारी लगभग इस समय 120 मिल चल रही हैं, जिनमें 40 मिल हमारी ऐसी हैं जो साप्ताहिक पेमेंट कर रही हैं किसान को, जबकि एक्ट में प्रावधान 14 दिन का है, लेकिन 40 मिल हमारी साप्ताहिक पेमेंट कर रही हैं। ये निर्णय किसान व्यापारी मिल मालिक अधिकारी सभी को बैठ के कमेटी में जो सुझाव आए उन सुझावों के बाद माननीय मंत्री परिषद के समक्ष हमने रखा, ये निर्णय किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश साहब। नगर पंचायत मुंडेरा बाजार जिला गोरखपुर का नाम परिवर्तित करते हुए नगर पंचायत चोरी चोरा जिला गोरखपुर किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया था, जिस पर मंत्रिपरिषद की अनुमोदन मिल गया है। वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर चोरी चोरा कांड के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट में एक ऐतिहासिक घटना थी चोरी चोरा कांड के रूप में। तो इसी उद्देश्य से हम 2022 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर 4 फरवरी 2021 को चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो दिनांक 4 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। जिलाधिकारी गोरखपुर के पद दिनांक 26/1/22 द्वारा जनपद गोरखपुर की नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चोरी चोरा के नाम पर नगर पंचायत चोरी चोरा जनपद गोरखपुर किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।
आज मंत्रिपरिषद के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है। अब मुंडेरा बाजार का नाम, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार का नाम अब चोरी चोरा नगर पंचायत चोरी चोरा जिला गोरखपुर होगा। इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयां एवं प्लेस पार्कों निजी एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखे जाने हेतु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 में परिवर्तन के संबंध में 2017 में एक हमारी नीति आई थी जिसके अनुसार जो भी भूमि परिवर्तन होगा उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2022 की जो पॉलिसी आई उसमें इस प्रकार का प्रोविजन नहीं था। बाद में 1 फरवरी 2023 से ये परिवर्तन शुल्क मुक्त रखने का एक शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के सामने ये प्रस्ताव आया कि जो 2022 की हमारी नीति थी कि भूमि उपयोग किसी में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किया गया था और इसके काफी सकारात्मक परिणाम आए। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जो अनुमोदन दिया गया वो इस विषय पर कि जो भी नीति हमारी 2017 में लागू हुई थी उसको फिर से एक बार 2022 की नीति में शामिल कर दिया गया। ये जो प्रोविजन है 5/1/2017 इसको जोड़ दिया गया, जो प्रस्तर 5 में जोड़ा गया है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के प्रस्तर 5 में एक नया उप प्रस्तर 5.1.17 जोड़ते हुए निम्नवत प्राविधान सम्मिलित किया जाएगा। 5.1.17 विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के उपयोग औद्योगिक परिवर्तन में औद्योगिक में परिवर्तन कराने में सूक्ष्म लघु मध्यम की इकाइयों एवं शासनादेश संख्या दी गई है। हमने आपको जो प्रेस नोट दिया उसमें दिया है कि 1 फरवरी 2023 से आच्छादित प्लेस पार्कों यानी निजी एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। तीसरा प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेट्रो रेल आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट दिए जाने पर मंत्रिपरिषद का आज अनुमोदन प्राप्त हो गया है। नगर निगम के द्वारा जो भी लोकल टैक्स इसके ऊपर आरोपित होते थे उसको अब नहीं लिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार का प्रोविजन एमओयू में भी था, जो एमओयू उनसे हुआ था आज मंत्रिपरिषद ने उस पर अपनी सहमति दे दी है। अब किसी प्रकार का उनसे लोकल बॉडी के द्वारा जो टैक्स लगता था नगर निगम के द्वारा वो अब टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाकी तो हाँ जी इसमें ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था उसमें पहले से इस बात का प्रोविजन था कि जी आया था गवर्नमेंट ऑफ यूपी विल एग्जेम्प्ट एलएमआरसी फ्रॉम इट्स स्टेट ऑब्लिक लोकल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेवीज और द रीइंबर्स द सेम, इस प्रकार का प्रोविजन किया गया था, आज उसी के अनुसार उसको लागू कर दिया गया है। बाकी क्या बताएं, उसमें रिपोर्ट आ गई है, अब वो पटल पर रखी जाएगी, आपको उसका प्रेस नोट दे दिया गया। वो जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको मंत्रिपरिषद में होके क्लियर कर दिया, आपको नोट मिल गया होगा, हमारे पास नोट मिलेगा।